हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास सिक्स का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका वार्षिक मूल्यांकन 2023 का एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक, अभी तक बहुत बच्चों का लड़ रहा है और कुछ बच्चों का नहीं लड़ रहा है, तो कमेंट करके आप बताइए कि आपका नहीं लड़ रहा है। ठीक, और लड़ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन लड़ रहा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक, हम आपको पहले ही बोले थे कि हर जिला का अलग अलग पेपर बन रहा है। ठीक, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। यदि आपका पुराना पेपर पूछ रहा था, पुराना पेपर का भी वीडियो में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पुराना वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, आप एक बार एग्जाम देने चले जा रहे हैं। ठीक, तो जाके सभी वीडियो जरूर देख के जाइएगा, आपका बहुत क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक, ये आपका सामाजिक विज्ञान का इस साल का पेपर है। ठीक, सामाजिक विज्ञान वार्षिक मूल्यांकन 2023 का। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक, क्वेश्चन है पहला, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी, प्रशस्ति किसने लिखी, तो इसका क्या हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा, इसका हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है, तो ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया, तो किस, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, सोमेश्वर पहाड़ी है, पहाड़ियां हैं, तो ये क्या है, मंदार हिल में है, मंदार हिल में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, पचपन नंबर देखते हैं, तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, तो कौन था, तो मीनारंड था, मीनारंड। ठीक, दो नंबर देखते हैं, सही मिलान कीजिए, निक्षेपतम नीपे निक्षेपातक मैदान, तो इसका क्या हो जाएगा, हंगरी में, हंगरी का मैदान। ठीक, अगला है उल्कापिंड, उल्कापिंड का आकाश में चक्कर लगाने वाला पत्थर के टुकड़े, ठीक, उल्कापिंड उसको कहते हैं। कोकोलत प्रताप, तो इसका क्या हो जाएगा, नवादा जिला में है। ठीक, लाल बत्ती, लाल बत्ती वाहनों को ठहराव के लिए किया जाता है। ठीक, अगला है बिम्बिसाराल, तो इसका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक, उसको बिम्बिसाराल कहते हैं। ठीक, तीन नंबर देख रहे हैं, तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, क्या है, निगम प्रसिद्ध का अध्यक्ष एवं सभापति होता है, तो कौन होता है, तो महापौर। ठीक, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होता है। ठीक, तो यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा यहाँ से देख के। अगला है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो हिंद बौद्ध धर्म। ठीक, अगला देखते हैं, सर्वप्रथम ब्रह्म लिपि को जेम्स प्रिसेव ने पढ़ा। ठीक, जेम्स प्रिसेव, कांवर झील बेगूसराय जिला में है। ठीक, चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर दो या दो से अधिक शब्दों में दीजिए, ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक, आपको पांच क्वेश्चन देना है, तीन तीन मार्क्स का है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के धर्म का संक्षिप्त वर्णन करें, अशोक धर्म है साधुता बंधुता अच्छे से कल्याणकारी कार्य करवा कोई पाप न करना मित्रुत दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता दया दान एवं सुचिता। ठीक, इतना लिख जाएगा आपको तीन मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें, इस क्षेत्र में आंसर देखते हैं, इस क्षेत्र में दलहन की खेती बहुत अच्छी होती है जिससे मनुष्य के लिए दाल और पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, गोलघर कहाँ है, इसका निर्माण क्यों किया गया था। ठीक, तो गोलघर पटना में स्थित है, इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा अनाज संग्रहालय के लिए किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चार नंबर क्वेश्चन है कि गंधार शैली अथवा सुंग शैली का संक्षिप्त वर्णन करें, यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह भारतीय तथा यूनानियों की मिश्रित शैली है जिससे दोनों ही कला का मिलाप देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, यहाँ पे पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। ठीक, क्या है, अफ्रीका, अमेरिका, ओशिनिया, यूरोप, एशिया, ये पांच प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर छः की ओर बढ़ते, छः नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं,
मानचित्र में इस्तेमाल किए गए नीला रंग, भूरा रंग, पीला रंग, हरा रंग इसके प्रतीक हैं। नीला रंग यह रंग समुद्र को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूरा रंग यह रंग पर्वत को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीला रंग यह रंग पठार को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। हरा रंग यह पेड़ पौधे को दर्शाया जाता है। ठीक, तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का। ठीक, तीन क्वेश्चन रहेगा, एक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक प्रश्न का उत्तर देना है। तीन प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न एक लास्ट वाला का आंसर यहाँ पे है, पशुपालन से क्या अभिप्राय है, इसके क्या लाभ हैं। ठीक, तो पशुपालन यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन करते हैं उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन से निम्नलिखित लाभ हैं जिसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं। पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, पशुओं से हमें मांस प्राप्त होता है, पशुओं से हमें ऊन, चमड़ा, गोबर जैसे मत्स्यपन प्राप्त होता है। पशुओं के द्वारा हम सब के बहुत सारे काम आसान होते हैं, जैसे बोझा ढोना, खेत जोतना यातायात का साधन के रूप में उपयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं, 5वां, पशुओं के द्वारा त्याग किए गए मल से हम लोग गोबर जैसे खाद बनाते हैं। पशुपालन से वातावरण संतुलित रहता है। तो इतना लीजिएगा, आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी वीडियो देख के ही जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।